हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 का आपका क्वेश्चन पेपर है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, और हमने 2015 का एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया है। अगर उस वीडियो को पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। हम केमिकल ब्रांच के सभी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे इसलिए, और फिर उसके बाद हम सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं 2016 का पेपर कैसा है। वैसे तो मैंने आपको टाइमिंग वगैरह बता दिया था पिछले वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसमें से 23 मार्क्स पे आपको कैपा पास किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अटेम्प्ट करने हैं आपको, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपको दो दो पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, सात सात मार्क के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 14.70 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन बतानी है विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और वाटेज काइनेटिक्स और डिस्कस इज इम्पोर्टेंट ऑफ केमिकल इंजीनियर, मतलब काइनेटिक्स के बारे में आपको डिस्कस करनी है पूरी केमिकल इंजीनियर के बारे में, केमिकल इंजीनियर काइनेटिक्स क्या कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रेस द स्ट्रेस वेलोसिटी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्मेस लॉ, दूसरा एक और क्वेश्चन एक्सप्रेस नॉन एडियोबेटिक रिएक्टर, और एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे पेपर है 2016 का, ठीक है। इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और इस पेपर को हम जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन प्रोवाइड करा देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है एनी टू पार्ट्स अटेंड करने हैं, स्टेडी फ्लो रिएक्टर इन डिटेल्स, ठीक है। और डेफिनेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है, एनालिसिस ऑफ काइनेटिक डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स एज पर देयर जियोमेट्री, ठीक है। एक्सप्लेन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप तैयार कर ले हो बिल्कुल सिंपल से, बाकी में सिंपल से बिल्कुल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोलिजन थ्योरी वगैरह ये सब, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब शॉर्ट नोट्स आपको इसमें से फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चार, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फोटो केमिकल रिएक्शन, ये भी होल्डिंग टाइम फॉर फ्लो सिस्टम प्लग फ्लो रिएक्टर्स, तो आपको ये आपके फाइव क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इन इंग्लिश में प्रोवाइड, अब हिंदी में देखते हैं। देखो हिंदी में वैसे समझ में नहीं आता ज़्यादा, इंग्लिश में सभी थ्योरी आपको, मतलब इंग्लिश में हेडिंग वगैरह होती हैं वो तैयार कर लेते हो आप, और हिंदी में थ्योरी वो क्या कहते हैं थ्योरी तैयार करते हो, आपको जो समझ लगे उसके हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हिंदी, ठीक है। हिंदी में पढ़ के नहीं बताऊँगा, बस देख लीजिएगा हिंदी में ये है, ठीक। तो हिंदी में इतना है बस, ठीक। फिर उसके बाद हम आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप लोग वीडियो को तुरंत देख पाएँ और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।